हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। उसमें हमने बच्चों पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर के स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, इसको आगे है हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की घुलनशीलता। सॉलिड्स इन वाटर। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन शुगर और सॉल्ट इज एडेड टू वाटर दे डिसॉल्व। आप सभी ने नोटिस किया ही है किया बच्चों कि जब चीनी या नमक को पानी के अंदर घोल दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो वो घुल जाते हैं। Thus we can say that sugar or salt is soluble in water। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चीनी और नमक पानी के अंदर घुलनशील है, यानी कि घुल जाते हैं। Let us try। Take some sugar and add it in water। कुछ चीनी लीजिए और उसको पानी में मिला दीजिए। Stir it for a little while। उसको थोड़ी देर के लिए घुमाइए, मतलब हिलाइए, घोलिए। You get a sugar solution because sugar is soluble in water। आपको sugar solution यानी कि चीनी का घोल तैयार मिलेगा, क्योंकि चीनी पानी के अंदर पूरी तरह से soluble है, घुल जाती है। Now try with salt। अब इसको नमक के साथ try कीजिए। You can make a salt solution too। इस तरह से आप salt solution, नमक का घोल बना सकते हैं। This is because, ऐसा इसलिए क्योंकि salt is soluble in water, क्योंकि नमक भी पानी के अंदर घुलनशील है, घुल जाता है। How does this happen? ऐसा कैसे होता है? This happens, ऐसा इसलिए होता है, because the molecules of sugar and salt get some space in between the molecules of water। क्योंकि बच्चों जो शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे, गेट सम स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, उनके अंदर जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है, वो शुगर और सॉल्ट ने जाकर क्या कर लिया, घेर लिया, उनके बीच में जगह बना ली और उसके अंदर बिल्कुल टोटली वो मिक्स हो गए। इस तरह से तो जब वो मिक्स हो गए, उसके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स जब गैप मिला, तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर उन्होंने सारा स्पेस कवर कर लिया, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों, टोटली मिक्स हो जाते हैं और हमें चीनी दिखाई नहीं देती। व्हेन द टू सब्सटेंस टोटली मिक्स, जब दोनों सब्सटेंस आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं, वी कॉल इट अ सॉल्यूशन, तब हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। The substance taken in small quantity and added in water is called the solute, and the substance in which it is mixed is called the solvent। बच्चों इस बात को मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि जब थोड़ी सी मात्रा में कोई चीज़ ऐड की जाए पानी के अंदर, तो सोल्यूट होती है, यानी कि यहाँ पर जो शुगर है वो आपका सोल्यूट है। और जब उस चीज़ को हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर मिक्स्ड करते हैं, यानी कि पानी के अंदर मिक्स किया है ना हमने, तो पानी के अंदर मिक्स किया तो पानी सॉल्वेंट है। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शुगर और सॉल्ट सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, और दोनों को जब मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स इन वाटर। हैव यू एवर ट्राइड टू मिक्स वाटर विद मिल्क और वाटर विद जूस। क्या आपने कभी भी पानी को ट्राई किया है पानी के साथ या जूस के साथ मिलाने के लिए? इट बिकम्स लाइक वन लिक्विड। जब आप देखते हो पानी और दूध को मिला दिया या जूस और पानी को मिला दिया, तो बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आते हैं ना मिक्स होने के बाद। व्हेन टू लिक्विड्स टोटली मिक्स दे आर सेड टू बी मिसेबल। बच्चों जब दो लिक्विड्स को मिला दिया जाता है और वो बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, तो वो मिसेबल कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इंक एंड वाटर, स्याही और पानी को मिला दें तो स्याही बन जाती है, बिल्कुल सारा कलर एक जैसा हो जाता है, पानी अलग नज़र ही नहीं आता। एल्कोहल है, ये वाटर है, उन दोनों को मिला दो तो वो भी बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे आर सेड टू बी इमिसिबल। जब दो लिक्विड को आपस में मिलाया जाए और वो मिक्स ना हो तो वो इमिसिबल कहलाते हैं बच्चों। कैसे? जैसे हम तेल और पानी को मिलाएं तो वो आपस में मिक्स नहीं होते, तेल ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे, दोनों अलग अलग नज़र आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी दो डिफाइंस रेडी होती हैं, एक तो मिसिबल और दूसरी इमिसिबल। मिसिबल बच्चों वे जो दोनों लिक्विड आपस में टोटली मिक्स हो जाते हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखाई दें तो वो मिसिबल, और जब दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें वो, तो वो इमिसिबल होते हैं। तो ये आपका डिफरेंसेस में भी आता है, तो आपका डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग रह जाएगा कि एक में तो आप डिफाइन लिखेंगे फिर एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर इमिसिबल की डिफाइन देंगे और उनके एग्जांपल देंगे। फिर नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आती है बच्चों, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। इस एक्टिविटी में आप मिसिबल और इमिसिबल की एक्टिविटी दिखाएंगे कि क्या है, कि भाई वाटर एंड विनेगर, पानी और सिरके को अगर आपस में मिलाया जाता है तो वो भी बिल्कुल एक जैसे हो जाती है। ये मिसिबल लिक्विड्स का एग्जांपल रहेगा। और नेक्स्ट में आपको ऑयल एंड विनेगर का दिखाया गया है, तो ऑयल जो है ना किसी भी लिक्विड के साथ जल्दी से मिक्स नहीं होता, तो ये इमिसिबल का एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तभी आपको ये समझ में आती है। नेक्स्ट आपकी ये डिफाइंस हैं बच्चों, सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स, सॉल्यूशन, मिसिबल और इमिसिबल की, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, तो गैसेस इन वाटर। यहाँ पर बच्चों आप ये कहोगे कि टीचर क्या गैसेस भी पानी के अंदर घुलती हैं, तो यस बच्चों गैस भी घुलनशील है, पानी के अंदर घुल जाती है। मोस्ट ऑफ द गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, बहुत सारी गैस हैं जो पानी के अंदर घुल जाती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया एक्सेट्रा आर सोल्यूबल इन वाटर। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सभी पानी के अंदर घुलनशील हैं। अब एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताती हूँ बच्चों, जैसे ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन रहती है तभी तो पानी के अंदर जीवन है ना बच्चों। जो फिशेज हैं, बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो किसके जरिए सांस लेते हैं? यस, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है बच्चों, वो उसी में सांस लेकर जीवित रहते हैं। यहाँ पर है बच्चों फिर टेस्ट योर नॉलेज, एग्जाम फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मैटर वो हर वो चीज़ है बच्चों जिसमें मास है और वो जगह घेरती है। वी कैन सी द मॉलिक्यूल्स विद अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम मॉलिक्यूल्स को बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। व्हेन टू मिसिबल टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे आर सेड टू बी इमिसिबल। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते तो इस प्रकार के लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। डू यू नो वाले पार्ट में बच्चों देखो, आपको एक पेप्सी की कैन नज़र आती है, जैसे ही आप पेप्सी की बॉटल को, कैन को आप खोलते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स को, तो आप उसके अंदर देखते हो कि झाग होते हैं, बिल्कुल मतलब बबल्स से नज़र आते हैं आपको। तो बबल्स क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो जो पानी होता है उस बॉटल्स के अंदर वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, और कार्बोनेटेड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की होती है बच्चों, जो पानी के अंदर घुली हुई होती है, इसीलिए पेप्सी की जो कैन होती है उसमें बबल्स आपको नज़र आते हैं, वो बबल्स उस गैस के कारण ही होते हैं।
फिर आता है बच्चों नेक्स्ट हमारा चेंजेस इन मैटर. इट इज कॉमन टू सी आइस क्यूब चेंजेस इन वाटर व्हेन केप्ट आउटसाइड द फ्रिज. ये बिल्कुल कॉमन है, हम देखते हैं कि जब आइस क्यूब है, जब फ्रिज से बाहर निकाल दी जाती है बच्चों, फ्रीजर से बाहर रख दी जाती है, तो क्या होती है, चेंज हो जाती है ना, चेंज इनटू वाटर, पानी में बदल जाती है आइस क्यूब. यू आल्सो नो दैट वाटर चेंज इनटू आइस व्हेन केप्ट इन द फ्रीजर. और आप ये भी जानते हो कि पानी कैसे चेंज हो जाता है बर्फ़ के अंदर जब उसको फ्रिज में रखा जाता है. व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है. द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ऑन हीटिंग और कूलिंग. स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या थी बच्चों, वही सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो अवस्थाएं हैं वो चेंज होती हैं ओनली टू ही उसमें, या तो वो गर्म कर दी जाए या वो ठंडी कर दी जाए. व्हेन आइस क्यूब इज केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर, जब आइस क्यूब को फ्रीजर के बाहर रखा जा गया है, तो इट इज़ सब्जेक्टेड टू हीट दस चेंजेज इन टू वाटर. तो फिर गर्मी हुई, सब्जेक्ट को गर्मी मिली और वो पानी में चेंज हो गई. अपोजिट फिनोमेनन क्या हुआ, टेक प्लेस व्हेन वाटर इज केप्ट इनसाइड द फ्रीजर. और उसका अपोजिट, अपोजिट यानी कि उसका विपरीत क्या हुआ, जब इस पानी को हमने फ्रीजर में रखा तो वो वापस से किस में चेंज हो गई, यस आइस क्यूब में. द चेंजेस आर टू टाइप्स, जो चेंज होते हैं बच्चों हमारे आसपास वो केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और दूसरा केमिकल चेंज होता है. फिजिकल चेंज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है. फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. यहाँ पर आपको बताया गया जो फिजिकल चेंज वो चेंज है, यानी कि वो बदलाव है जो केवल एक फिजिकल स्टेट, यानी कि सिर्फ उसके फिजिकल चेंज उसमें ही बदलाव लाए, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बुक है, इस बुक के पेज को अगर मैं फाड़ दूँ या मोड़ दूँ या कुछ भी कर दूँ, तो इस चेंज में, इस प्रकार के एग्जाम्पल में ना ही तो कोई नया सब्सटेंस बना. अगर इसको मैं हटा भी दूँ या बिल्कुल फोल्ड कर दूँ तो क्या रहेगा, कागज ही रहेगा ना, कोई नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ नहीं हुआ. ठीक है बच्चों, जैसे आप मान लो आप बच्चे हो, कई बार बोट बनाते हो कागज की या बलून फुलाते हो, तो उस प्रकार के चेंजेज में सिर्फ स्टेट में, मतलब फिजिकल स्टेट में ही चेंजेज होता है, कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होता. तो इस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. ये रिवर्सिबल है और टेम्परेरी है. रिवर्सिबल का मतलब जैसे मान लो कागज को मोड़ के मैंने एरोप्लेन बनाया या बोट बनाई, तो वापस से अगर मैं खोलूँगी तो कागज ही हो जाएगा ना, यानी कि रिवर्सिबल है, उसको चेंज किया जा सकता है, टेम्परेरी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ऑन कूलिंग मेल्टन वैक्स बिकम सॉलिड वैक्स, ऑन हीटिंग आइस कैन चेंज बैक टू वाटर. देखो बच्चों यहाँ पर आइस क्यूब था, उसको मतलब बाहर छोड़ दिया गया, गर्म हुआ तो पानी बन गया, पानी को फिर से जो है ना किया गया, गर्म किया गया तो गैस बन गई वाटर वेपर में. वाटर वेपर से गैस में जो चेंज हुआ तो उसको अगर वापस से ठंडा कर दिया जाए तो ठंडा करते ही वो लिक्विड में आ गया, यानी कि पानी हो गया. लिक्विड्स को, उस पानी को फिर से हमने फ्रीजर में रखा तो वो आइस क्यूब हो गई. तो इस प्रकार के चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, पानी था, पानी ही रहा तीनों अवस्थाओं में, चाहे वो फ्रीज किया गया या गर्म किया गया. तो ये कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना. तो इस प्रकार के जो चेंज हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज. अ फ्यू मोर एग्जांपल, कुछ और भी एग्जांपल हैं. इफ अ पीस ऑफ पेपर इज कट ऑफ इनटू स्मॉल पीसेस इट स्टिल रिमेन्स एज पेपर. अगर एक कागज के टुकड़े को मतलब और भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो क्या है, स्टिल रिमेन्स पेपर, वो कागज ही रहेगा. दिस वुड बी अ फिजिकल चेंज इन शेप एंड द साइज ऑफ पेपर. ये सिर्फ जो है ना एक फिजिकल चेंज हुआ कागज की शेप पर और उसके साइज में, कोई नया सब्सटेंस उसमें फॉर्म्ड नहीं हुआ. तो आपने सिर्फ यही याद रखना है बच्चों, फिजिकल चेंज में सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में ही चेंज होता है, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता.
नेक्स्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आएगा हमारा केमिकल चेंज, उसमें बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अ फिजिकल चेंज में रिजल्ट इन चेंजिंग द शेप ऑफ द सब्सटेंस, सिर्फ उसकी शेप में ही कुछ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लोइंग अ फील्ड बट द फील्ड स्टिल रिमेन एज सॉयल, कटिंग वुड इन टू पीसेस इज स्टिल वुड एंड मोल्डिंग अ स्कल्पचर इज स्टिल सीमेंट और मार्बल। ये कहा गया कि अगर खेत को अगर हम जोतते हैं तो वो सॉयल ही रिमेन्स रहेगी, अगर लकड़ी को टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो लकड़ी ही रहेगी। अगर एक मोल्ड मतलब एक चित्रकार एक चित्र बनाता है यानी कि एक मूर्ति बनाता है तो वो स्टिल सीमेंट और मार्बल ही रहेगी मूर्ति, मतलब कुछ और तो बन नहीं जाएगा, मूर्ति ही बनेगी उसकी, ठीक है, जो पर रहेगी तो वो सीमेंट या मार्बल ही ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी टू में यही दिखाया गया है कि लिक्विड्स को अगर हम डू ऑल लिक्विड्स फ्रीज एट द सेम रेट, क्या सभी लिक्विड्स एक ही मतलब टेम्परेचर पर फ्रीज होते हैं। तो इस एक्टिविटी को हम मतलब प्रैक्टिकली करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसको प्रैक्टिकली ही वो करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम आते हैं केमिकल चेंज था, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। केमिकल चेंज बच्चों वो चेंज है, वो बदलाव है जब एक सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बनता है और उसको वापस से रिवर्स उसको ओरिजिनल फॉर्म्स में यानी कि जो उसकी पहली अवस्था थी हम उसको वापस ना ला सकें, तो उस प्रकार के चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल के जरिए दिखाती हूँ मैं कि जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया आपको कि माचिस की एक तिल्ली थी, उसको जलाया गया, जलाने के बाद जब वो पूरी जल जाती है तो क्या वापस से आप माचिस की तिल्ली बना सकते हो? नहीं बना सकते। मान लो आपको रसोई में आपकी मदर खाना बना रही हैं तो आटे से डो बनाया, डो से रोटी बना दी मम्मी ने, क्या आप उस रोटी से वापस से डो बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो इस प्रकार के चेंजेस जो होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके केमिकल चेंज, यानी कि एक नया सब्सटेंस बने, एक सब्सटेंस से चेंज होकर कुछ नया बन जाए और उसको हम वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना ला सकें तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। दस अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज था, जबकि इसके अपोजिट हमने जो फिजिकल चेंज पढ़ा था बच्चों वो क्या था? टेम्परेरी था। दूसरा वो रिवर्जिबल था, ये रिवर्जिबल नहीं है। When a matter is heated or cooled, it changes to a new substance. यानी कि जब matter को heat किया जाए, गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए तो वो change होता जाता है new substance में, which is different from the original, जो अपने वास्तविक रूप से बिल्कुल अलग होता है। It has properties that the different than that the original material. इसकी properties यानी कि इसकी जो गुण होंगे वो अपने original material के तुलना में बिल्कुल अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल वैन यू बेक अ केक, जब आप एक केक को बेक करते हैं यू नीड सम इन्ग्रीडियंट्स, तो आपको कुछ इन्ग्रीडियंट्स की आवश्यकता होती है यानी कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वंस द केक इज़ रेडी, जब केक रेडी हो जाता है यू कैन नॉट चेंज, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। द केक बैक इन टू फ्लोर एग्स शुगर और बैटर, क्या आप उसको वापस से केक को आटा अंडा चीनी या बटर में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अदर एग्जाम्पल आर टोस्टिंग ऑफ ब्रेड स्लाइस, कुकिंग एन एग, बर्निंग अ मैच स्टिक्स एक्सेट्रा। बहुत काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों आपके आसपास जो केमिकल चेंज के उदाहरण हैं। देर आर मेनी केमिकल चेंजेस दैट ऑकर इन आवर डेली लाइफ, हमारी प्रतिदिन की आम तौर की लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं बच्चों। तो हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था बच्चों उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा था, तो मैटर की ये डिफाइन है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है वो होते हैं मॉलिक्यूल्स।
and the space between the molecules is called intermolecular space. Molecules के जो बीच में जो gap होता है उन्हें हम intermolecular space कहते हैं. फिर है miscible and immiscible. When two liquids are mixed with each other, जब दो liquid आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं तो वो miscible liquids होते हैं. और जब दो liquids, when two liquids do not mix with each other, are called immiscible. और जब दो liquids बच्चों बिल्कुल आपस में mix ना हों, बिल्कुल अलग अलग रहें, तो वो immiscible होते हैं. फिर next था बच्चों, the state of matter of a substance change on heating or cooling. मैटर ऑफ स्टेट यानी कि किसी भी पदार्थ की अवस्था तभी चेंज होती है, या तो गर्म की जाए या ठंडी की जाए. द चेंज आर टू टाइप्स, बदलाव सिर्फ दो ही प्रकार के हैं बच्चों, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क करेंगे बच्चों, जिसमें आपकी फिलअप होंगे, टिक द करेक्ट होंगे, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स होंगे. ओके बच्चों.